Good morning, children. How are you? I hope you are fine. So now, today we start your 6th standard subject history and topic 4 of history part 2. In this video, we will learn the oral source of history, sources of ancient history, and the last is the precaution to be taken while writing history. But before of this, we will learn the first topic, source of history. Under this, all the artifact structures, fossils, rock forms, it is all included in the source of history. The source of history are three types: first material source, second written source, and the third is the oral source. Under material source, we have the example is the coins, pots, stupas. Here is the written source. The written source is written in the form called the written source. Under written source, manuscript of Mahabharata. Literature. And now, today we will learn the oral source of history. Dear students, oral source of history. The oral source of history are cannot be explained through the images. So, their examples are the examples of oral source. First is the voice. The voice is the logi, chaki, etc. The fourth song. Another fourth song. अपने पुराने समय में देखा होगा बैठे टाइम में जो सॉन्ग्स होते थे वो सब फोक सॉन्ग्स में थे या फिर भी अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इनके आप पूछो कि उनके समय से कौन से सॉन्ग जो बचपन से सुनते आ रहे हैं फेस्टिवल वगैरह में या फिर किसी लोग शादी वगैरह वगैरह पड़ा था उसमें कौन से सॉन्ग सुनते आ रहे हैं ऐसे कौन सा फोक सॉन्ग एंड नेक्स्ट इज फोक टेल मतलब फोक टेल स्टोरी स्टोरी जो हॉरर स्टोरी सस्पेंस स्टोरी इंक्लूडिंग द फोक टेल And the next is the literature passed from generation to generation. Literature. Those languages we can use in the childhood. ऐसे language जो कि बचपन से use करते आ रहे हैं इन द पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन और जो कि जनरेशन जनरेशन पास हो रही आ रही है उसे क्या कहते हैं लिटरेचर द दुनिया लिटरेचर इन आल ऑफ दिस इज द नॉट अ रिटन फॉर्म ये सारी चीजें रिटन फॉर्म आपको यही नहीं मिलेंगे एंड दे आर ऑथर आर अनोन और से कोई ऑथर है उसको भी आपको कंफर्म नहीं होगा सो आल ऑफ दिस वी हैव फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशन विद द कॉल्ड ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड द नेक्स्ट इज द सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इन एंशियंट पीरियड व्हाट इज द एंशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम स्टोन एज एरा टू एथ सेंचुरी फ्रॉम स्टोन एज एरा टू एथ सेंचुरी सेम इन कॉमन एरा वो नो द वन थ्री इक्वल हंड्रेड ईयर वन थ्री इक्वल हंड्रेड ईयर जो एंशियंट पीरियड था इंडियन का जो एंशियंट पीरियड था वो कब से कब तक था फ्रॉम स्टोन एज टू एफ सेंचुरी स्टोन एज से लेके एफ सेंचुरी का समय था क्या था एंशियंट पीरियड इन दिस पीरियड सेम स्क्रिप्ट वेयर नॉट प्रेजेंट स्क्रिप्ट वेयर नॉट प्रेजेंट बिफोर दैट सो वी लर्न दिस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल एब्जर्वेशन इसमें क्या था जो हमारा स्क्रिप्ट था मीन रिटर्न फॉर रिटर्न की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी नॉट अवेलेबल So we learn this thing with the help of astrological observation. So क्या करते थे astrological observation के लिए जो astrologist होते थे they observe the ground
ग्राम दो सौ चौक में जो सामान मिलता उसके दूसरे चौक पता करते थे। एंड इन द स्टार्टिंग, इन द स्टार्टिंग द पर्सन ऑफ द एंशियंट पीरियड ही यूज द साइन एंड सिंबल फॉर टू द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए साइन और सिंबल का यूज करते थे। आफ्टर दैट दे कैन यूज द पेंटिंग्स, बर्स ऑफ ट्री, पिटर्स ट्रांसफर क्या होती थी, वो पेंटिंग यूज करने लगे। और जब ब्रिटेन इसके डेवलप हुआ, ब्रिटेन से डेवलप, ही कैन यूज द बर्स ऑफ ट्री, कॉपर पेट्स इटेस्ट्रा। एंड द नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट एंशियंट पीरियड ऑफ 1500 BC, 1500 BC एंड ऑनवर्ड कैन बी स्टडी थ्रू वेदा। 1500 BC, बीसी में बिफोर कॉमन ईरा या बिफोर किस ईरा, उसके पहले फिर सब फिर से रखे हैं ऑनवर्ड। अभी तक जो भी स्टडी हमने की उससे थोड़ा वेदा, वेदा के थ्रू। बट स्टूडेंट फर्स्ट यू नो, पहले आप जान जाइए द वेदा जा द स्टार्टिंग द वेदा जा रहा नॉट इन रिटर्न फॉर्म। स्टार्टिंग में जो वेदा है यह भी रिटर्न फॉर्म में नहीं थे। तो द एंशियंट यूनिवर्सिटी पीपल द टेक्निक ऑफ यूज द मेमोराइजिंग एंड सेंटिंग देम। उस समय के जो लोग थे उन्हें टेक्निक बना ली थी उसे मेमोराइज से रिमाइंड करने के लिए, उसका रिसेटिंग देम उसका पुनराक्षर है उसको वाचन करने के लिए टेक्निक बना ली थी। आफ्टर द डेट द मेनी ऑफ द ईयर द वेदा आर मेंशन इन द रिटर्न फॉर्म। द स्किप ऑफ डेला द वेदा मेंशन इन द रिटर्न फॉर्म। बहुत सालों बाद जब इसके धीरे डेवलप हुआ तो जो वेदा थे ये भी क्या धीरे रिटर्न फॉर्म में बन गए लिखे गए। इन द वेदा एंड पोस्ट वेदा, वेदा एंड पोस्ट वेदा अगर मेरी लैटर जो है ब्राह्मणा उपनिषद रामायण महाभारत जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर प्लेट पोएम स्पून एंड पिलर एक्सेट्रा। ये जो वेदास थे या फिर पोस्ट वेदास थे जो साहित्य थे उनमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की, जैसे कि फर्स्ट क्या था ब्राह्मण, नेक्स्ट इज द उपनिषद, उसके बाद क्या एपिक ऑफ रामायण एंड महाभारत। रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ थे, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर जैन और बौद्ध धर्म के साहित्य होने थे वो सब। उसके बाद प्लेट, नो प्लेट नॉट अ गेम, प्लेट मीन्स दोस्तों में नाटक करते थे, प्लेट मीन दोस्तों में लोग नाटक वगैरह करते थे। वो पोएम्स स्टोन एंड पिलर इंस्क्रिप्शन में जो पत्थर होते थे या फिर जो खम्भे होते थे पिलर उनको जो इंस्क्रिप्शन मिलते थे उनके द्वारा वो सब पता करते थे। इधर सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आज दी अदर सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, ये सारे चीज़ें सारे सोर्सेस हैं ये क्या है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्स है। एंड सम ऑफ द मटेरियल सोर्स आर इंक्लूड, कुछ मटेरियल सोर्स भी इसमें इंक्लूड थे जैसे कि रिमेंट ऑफ मटेरियल सोर्स पॉइंट, चलिए पॉइंट हो गया हमारा ये भी इनमें इंक्लूड था। आफ्टर अ बेस यू कैन लास्ट टॉपिक प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री, प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री। अब पहले बच्चे जान जाइए स्टूडेंट द हिस्ट्री इज नॉट ए इजी टू रिटेन, हिस्ट्री को लिखना बहुत ही आसान नहीं है, बहुत ही हार्ड है क्योंकि ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट हम हिस्ट्री में नहीं लिख सकते। बिफोर ऑफ द रिटर्न ऑफ हिस्ट्री एनी डॉक्यूमेंट कैन बी रिसर्च बाय द मेनी ऑफ द साइंटिस्ट, बहुत से साइंटिस्ट होते हैं जो कि उसको पहले रिसर्च करते हैं उसके बाद वो हिस्ट्री लिखते हैं। द फर्स्ट अनरिटन डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी सेड टू बी ऑथेंटिक जस्ट बिकॉज इट इज ओल्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट एनी डॉक्यूमेंट रिटन डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी सेड टू ऑथेंटिक, कोई भी डॉक्यूमेंट है अगर वो पुराना हुआ तो जरूरी नहीं है कि वो रिटन सोर्स के लिए हिस्ट्री का सोर्स बने जाए, उससे पहले देखना पड़ता है समझना पड़ता है उसका स्केच करते हो साइंटिस्ट पर रिसर्च करते हैं। फॉर इट नीड टू बी एग्जामिन क्रिटिकली एज टू हु रोट इट व्हाई एंड वेयर इट वाज रिटन, इसके पहले उसे प्रूफ करने के पहले उन्हें उसके एग्जामिन उसे एग्जामिन करने की आवश्यकता होती है क्या हु रोट इट मीन्स किसने उसे लिखा व्हाई क्यों लिखा वेयर रोट इट कब लिखा ये सब सारी सारी बातें उसके ऊपर रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट इज द कंक्लूजन
The conclusion drawn on the basis of various genuine documents have to be cross-checked and corroborated with one another. ये जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं उनमें जो भी बातें होती हैं वो रिसर्च करने के बाद भी उसे क्रॉस चेक करते हैं, मैंने अभी सेंटेंस से क्रॉस चेक करते हैं एंड आफ्टर द कंफर्मेशन ही द रिटर्न सोर्स ऑफ द हिस्ट्री, और उसके कंफर्म होने के बाद कि हाँ ये रिटर्न सोर्स के लायक है या नहीं है, ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके बाद ही वो कन्फर्म करते हैं और रिटर्न सोर्स में लिखते हैं। सबसे क्रिटिकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द writing of history. Such a critical analysis means बहुत ही tough और tough analysis के बाद जब पूरा confirm करने के बाद यहाँ history के source है कि नहीं है, इधर written form है history में लिखने लायक है या नहीं है, उसके बाद ही confirm करते हैं कि the writing of history history लिखने लायक है या फिर history बनने के लायक है। So dear student, here your lesson is finished. So let's make down your number, total number. First is the What are the examples of oral sources? We have to follow example. Next is the which period is regarded as the ancient Indian period history? Means ancient Indian period history कब से कब तक था? And dear student, your lesson is finished here. So complete the homework and send it to group on the Friday. Thank you so much.